सो बात यह है कि वैलोरेंट में साउंड तो अच्छी आती है, लेकिन उसको सुनने के लिए तुम्हें अपनी वॉल्यूम को लाइक 90% तक रखना पड़ता है। एंड इतने हाई वॉल्यूम में अगर तुम ऑपरेटर चलाओगे ना तो तुम्हारा कान सच में बहुत ख़राब हो जाएगा, बिकॉज इतना लाउड होता है ऑपरेटर की क्या बताऊँ। एंड इसलिए हमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना पड़ता है, जिससे अगेन तुम्हें फुटस्टेप्स की आवाज़ काफ़ी कम हो जाती है। सो इसी बात से काफ़ी लोग मेरे को कह रहे थे कि भाई आपके वीडियो में इतने ज़्यादा फुटस्टेप्स कैसे आ जाते हैं, एंड ऑपरेटर की आवाज़ भी काफ़ी कम रहती है। एंड इन्हीं क्वेश्चन के जवाब देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम अच्छे से फुटस्टेप्स कैसे सुन सकते हो। एंड चलो सीधा स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सो पहला टिप है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी लोग को नहीं भी पता होता है, वो है HDRF को ऑन करना। जो HDRF है वो वैलोरेंट का इन गेम सेटिंग है, एंड काफी लोग को नहीं पता रहता है, इनके डिफॉल्ट में ये ऑफ रहता है, तुम्हें मैनुअली उसको जाके ऑन करना पड़ता है। बस तुम सेटिंग में जाओ, देन साउंड में जाओ, देन वहां पर लिखा हुआ है एनेबल HDRF, एंड एक बार तुम इसको ऑन करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा कि बंदा कहां पर होता है, तुम्हें उसकी लोकेशन भी काफी अच्छे से पता चल जाती है। एंड मेरे को कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा ये ऑफ था कि ऑन था पहले से ही, बिकॉज ज्यादातर लोगों का ऑफ रहता है एंड मेरा भी स्टार्टिंग में ऑफ ही था। नाउ इससे पहले मेरे को कोई कमेंट करे कि भाई अपना हेडफोन आप कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं यूज़ करता हूँ कॉस्मिक बैट का ये वाला हेडफोन। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एंड ओनली कॉस्ट करता है 1200 रुपीज़। अभी इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा हो गया फिर कम हो गया, एंड जब भी कम हो तो तुम उसको खरीद सकते हो। नाउ उसके बाद हम नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं साउंड अच्छे करने की। सो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि अपने जो भी तुम्हारा PC का स्क्रीन है वहाँ पर जाओ, देन तुम्हारा यहाँ पर एक आइकन दिखेगा साउंड का, इस पर राइट क्लिक करो, देन यहाँ पर लिखा होगा साउंड्स, एंड देन यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें क्लिक करना है प्लेबैक पे, एंड यहाँ पर तुम्हारा जो भी हेडफोन होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। एंड जो भी तुम्हारा हेडफोन है उस पर क्लिक करो, देन राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज में जाओ, एंड यहाँ पर तुम्हारा अगर ऐसे शो कर रहा है तो अच्छी बात है। एंड तुम्हें यहाँ पर जाना है एनहेंसमेंट में, एंड क्लिक कर देना है रूम करेक्शन एंड लाउडनेस इक्वलाइजर पे। लाउडनेस इक्वलाइजर क्या करता है कि जो ऑफ की जो साउंड है तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही आती है उसको तुम्हारा कम कर देता है, एंड जो फुटस्टेप्स है उसकी आवाज़ बढ़ा देता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक सेटिंग है। एंड जो रूम कनेक्शन है वो क्या करता है कि आसपास की जो तुम्हारी सराउंडिंग होता है उसके साथ खेलता है एंड उसको ठीक करता है। एंड अगर तुम्हारा सेटिंग वैसे नहीं आता है, तुम्हारा यहाँ पर ऐसे टाइप का दिख रहा है, तो इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एडवांस में जाना है, देन एनेबल ऑडियो एनहेंसमेंट में जाना है, एंड यहाँ से वो वापस से वही सारी चीज़ें कर देगा। बट इससे तुम्हारा लाउडनेस इक्वलाइजर ऑन नहीं होता है, एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उसको कैसे कर सकते हो बाद में। नाउ बात करते हैं कि तुम लाउडनेस इक्वलाइजर एक एक्सटर्नल पेयर पर कैसे कर सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो तुम्हें बस क्रोम से या फिर गूगल से कहीं से भी तुम्हें बस डाउनलोड करना है रियल टेक ऑडियो कंसोल करके या फिर रियल टेक ऑडियो ड्राइवर करके। सो ओपन करने के बाद तुम्हारा इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, एंड तुम्हें यहाँ पर साउंड इफेक्ट में जाना है, एंड यहाँ से जो इन्वायरमेंट है इसको तुम नोन पे रहना तो नोन ही अच्छा है। एंड यहाँ पर तुम्हें वापस से ऑप्शन दिख जाता है लाउडनेस इक्वलाइजर का, काफ़ी अच्छा सेटिंग है, इसको हमेशा ऑन रखो। एंड देन इक्वलाइजर में तुम्हें बस यहाँ पर क्लिक करना है, एंड इन सबको छोड़ दो, बस यहाँ पर पार्टी पर ध्यान दो, पार्टी काफ़ी अच्छा है। एंड अगर तुम और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो तुम यहाँ से कर सकते हो, एंड अगर तुम्हारा हेडफोन ऐसा है कि तुम्हें लेफ्ट में ज़्यादा सुनाई दे रहा है राइट में कम दे रहा है तो तुम यहाँ से भी उसको ठीक कर सकते हो। एंड देन रिकॉर्ड सेटिंग बताओ तो तुम यहाँ पर डिफॉल्ट प्रोग्राम पे जाओ, देन यहाँ से तुम बीट रेट को एकदम हाईएस्ट मत रखो, बट इतना जो तुम रख सकते हो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, एंड ये काफ़ी अच्छे साउंड क्वालिटी देता है। इससे अगर तुम्हारा कम होता है डिफॉल्ट में तो तुम इसको बढ़ा देना, काफ़ी अच्छा कर देगा। एंड ये था मेरे इस वीडियो के लिए, एंड मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें रियल टेक ऑडियो ड्राइवर के बारे में पता था कि नहीं। सो टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।